दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त साहिल और आप देख रहे हैं विदेशी। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेक्निकल गुरुजी जैसे लोगों को बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा और आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आप लाल रंग का बटन दे सकते हैं, वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर में मिलेगा और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे जैसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप बटन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको साइज यहाँ पर 1536 जैसा एक साइज आपको कर देना है। और ये साइज बेसिकली लोगों के लिए ही होता है और इसमें सिंपली टिक कर दीजिए और इस इमेज को सिंपली सेव कर लीजिए। तो मैंने इस इमेज को सेव कर दिया और आपको अब पिक्सआर्ट दोबारा से ओपन करना है। और इस बार आपको सिंपली एडिट के बटन पर क्लिक करना है। एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमने अभी व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट चूज किया था सिंपली आपको उसको क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी हम अपने चैनल का लोगो बनाएंगे और तो सबसे पहले हम हमारे चैनल का नाम है विदेशी, तो हम यहाँ पर बी लिख के टिक के बटन पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉन्ट लेना है आपको, ये वाला जिससे आपका लोगो अट्रैक्टिव बने। और यहाँ पर कलर जो आप चाहिए वो चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ी जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लोगो इसमें बना सकते हैं। तो मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ, मैं जैसे ये कलर चूज कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा। आप जैसे चाहे वैसे इसमें लोगो बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोगो बन सकते हैं। और इसमें मैं टिक कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा छोटा यहाँ पर मतलब इसको मोटाई कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप जो आपने अभी आपने जो ये वाइट इमेज इसको सेव की थी इसको सिंपली ले आइए और यहाँ पर इसे ऐसे कर सकते हैं आप। ऐसे करने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा पतला हो चुका है। और अब हम अपना यहाँ पर डी लिखते हैं, तो टेक्स्ट बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर भी इसका भी फॉन्ट वही कर देते हैं और हम कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं इसे। ये सेट करने के बाद दोस्तों अब हमारी एडिटिंग चालू होती है, तो इसे टिक कर देते हैं। और एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको उसी इमेज को सिलेक्ट करना है और एडिटिंग करने से दोस्तों होगा क्या, आप इमेज काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, जो आपका लोगो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और हमें वही तो बनाना है अपनी अपने लोगो काफ़ी अट्रैक्टिव। सिंपली आपको यहाँ पर व्हाइट पर क्लिक कर देते हैं वैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कट चुका है और अभी हम टिक कर देते हैं। दोबारा से जितने आप चाहे वहाँ पर इतने कट लगा सकते हैं अपने हिसाब से, आप जैसे आपको लोगो अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम काफी तेजी से बना रहे हैं तो लोगों का काफी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अब हम डी को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। और सिंपली आपको इस पर टिक करना है। अब हम दोस्तों अपना नीचे चैनल का नेम लिखते हैं। तो नेम लिखने सिंपली आपको टेक्स्ट पे करना है और यहाँ पर लिख देना अपने चैनल का नेम और यहाँ पर टिक कर देते हैं। और इसे आप नीचे ले आकर यहाँ पर जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा आप कलर रख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, हम यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया और इसका फॉन्ट जो आपने पहले किया था इस
इसमें कोई इसमें फोटो को चक्कर नहीं है, जैसे आप फोर्टीज में करना चाहे वैसे आप फोर्टीज में कर सकते हैं। तो अभी और यहाँ पर टिक कर देते हैं, और अब आपको सिंपली एक आई लिखना है, आई, और इसे टिक कर देना है। और जैसे आई आप देख सकते हैं इसी फॉन्ट में, और आपको इसे यहाँ पर ऐसे इसके कलर पहले कलर चेंज कर देते हैं, और इसे छोटा कर देते हैं। इसके अंदर हम अपने चैनल का जो नीचे का नाम है देसी वो लिखेंगे, या जो भी आपके चैनल का नाम है, बीइंग इंडियन जो भी है। और अब हम सिंपली चैनल का नेम लिख देते हैं, और इसके अंदर हम चैनल का नाम लिख देते हैं, और इसमें जो आप मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। और इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंपली आप जो इमेज थी वो पहले हमने सिलेक्ट की थी उसी को ओपन करना है, व्हाइट वाली को, और इसे ऐसे कट लगा दीजिए। इस साइड भी कट लगा देते हैं, जैसे आप चाहे वैसे इसमें लोगो अपना सकते हैं। दोस्तों हमारा ये लोगो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने काफी तेजी बनाई इसे, काफी अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस पे आप पिक्सआर्ट में कैसे भी आप लोगो बना सकते हैं, और लोगो बनाने के बाद सिंपली आपको इस एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो आप हम गैलरी में दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं अभी हमने जो लोगो, और जो इसमें आप काफी अच्छे अच्छे लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए विदेशी।